इंसाई आदमी थे जी, सारी जिंदगी उन्होंने जिंदगी को सीरियस नहीं लिया उन्होंने जिंदगी को, तो अभी तो उनको दफना गया है, हम कोई ऐसी बात करने को ये भी नहीं भूलते होंगे कि यार वो जो हमारे साथ रहते थे 24 घंटे और वो हंसी मजाक जो किया करते थे, लोगों को हंसाते थे, आज वो जो है ना वो हमें छोड़ के चले गए। देखिए जाना तो सबने है, सबने जाना है, लेकिन वो हमारी जान थे, हमारे दिल में है, दिल में रहेंगे। पूरी दुनिया में तारक टैडी था, एक टाइम ऐसा था कि पूरी दुनिया में तारक टैडी ही हो रही थी, सुपरस्टार वो ऐसा था, ठीक है, एकदम से उभरे और एकदम से जो है ना वो नहीं नहीं 20 दिन के अंदर अंदर उनका वो तो अल्लाह बीमार हो चले गए, बाकी वो स्टार ही गया है, स्टार ही गया वो, सुपरस्टार ही वो यहाँ से गया है, वो कोई जवाल नहीं आया उस पर, किसी किस्म की कोई ऐसी टेंशन नहीं हुई, वो सुपरस्टार था, सुपरस्टार ही गया है वो। आज भी जब वो स्टेज पे आता था तो लोग चीखें सीटियां क्लैप इतनी ज्यादा करते थे कि आप सोच नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ 23। आज तारक साहब जो मशहूर एक्टर थे ड्रामा इंडस्ट्री के, वो आज इंतकाल कर चुके हैं। आज हम कुछ लोगों से बात करवाएंगे, चंद एक्टरों से बात करवाएंगे और आप देखें हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, तारक साहब जो है ना इंतकाल कर चुके हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी बहुत रंज है, बहुत दुख है, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे और अल्लाह पाक उनके बच्चों को सब्र दे, अल्लाह पाक। हर आदमी के काम आने वाले, बेशक, और अब जूनियर आर्टिस्ट के खुसूसी साथ देना, बेशक, और माली इमदाद भी करना, बेशक, लेकिन एक जिंदगी है, अल्लाह ताला का हुक्म है, हमने भी चले जाना है। उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी और लोगों के काम आने वाली जिंदगी जो है ना बसर की है, बेशक। तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ जो है ना वो ये 20 दिन के अंदर जो मामला हुआ उसमें वो जल्दी चले गए, या कुछ गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था उनके लिए? देखिए गवर्नमेंट ने किया है, उनको हॉस्पिटल से जब पता लगता है तो करते हैं, जी जी ठीक है जी। अब ये होता है कि वक्त इंसान का जब करीब आ जाता है, सारे लोग भी जुड़ जाते हैं, सारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं, दोस्त सबाब भी आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात है, बेशक वक्त है, हमने भी चले जाना है, जी जी, लेकिन सबने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन वो एक बंदा शाह वहद था जो बड़ा प्यारा और लोगों को साने वाला और लोगों के काम नाम बनाया और बड़ी जल्दी जो है वो नाम को छोड़े लोगों के काम आने वाला था, बेशक जी बेशक, वो दुआएं देने वाला था, बेशक जी, ये नहीं है जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा तो काफी ज्यादा आप जो है उनके करीब रहे, आप काफी देर उनके साथ रहे, तो उनकी थोड़ी सी कोई याद कोई अपनी कोई ऐसी ताजा यादा? तो उन्होंने फनकार ही बहुत वे सन, तुम पता उन्होंने याद ही रहनी है सारी, उन जो बड़े प्यारे इंसान सन, तो जदों के असी लाहौर आए जूनियर, असी तो उन्होंने तीसरी जगह से जूनियर सन, जूनियर में बहुत प्यार करते सन, शुएब अख्तर भी कहा जाता था एक एक्टर जी, ऐसे ऐसे तो सो ये कि अल्लाह उन्होंने जनता ही घर करे, बेशक जी बेशक। अब लास्ट उनकी मंजिले मालिक आसान फरमाए, उनके घर वालों को जो है वो सब्र दे। नाज़रीन हम और भी लोगों से बात करते हैं, तो कुछ उनकी यादें हमारे साथ शेयर करें। अजनबी तो यादें क्या शेयर करें, उनके वो एक मजाही आदमी थे जी, सारी जिंदगी उन्होंने जिंदगी को सीरियस नहीं लिया उन्होंने जिंदगी को, तो अभी तो उनको दफना गया है, हम कोई ऐसी बात करने को ये भी नहीं भूलते होंगे कि यार वो जो हमारे साथ रहते थे 24 घंटे और वो हंसी मजाक जो किया करते थे, लोगों को हंसाते थे, आज वो जो है ना वो हमें छोड़ के चले गए। देखिए जाना तो सबने है, सबने जाना है, लेकिन वो हमारी जान थे, हमारे दिल में है, दिल में रहेंगे। तो डैडी साहब वो भूलने वाली चीज़ ही नहीं थे, नहीं। वो भाइयों के भाई थे, दोस्तों के दोस्त थे, रिश्ते निभाना उनको आता था, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे ही है जैसे हमारा कुछ जिगर का टुकड़ा ले गया है वो डैडी साहब। तो अभी उनकी मगफरत के लिए दुआ कर सकते हैं, तो आपसे भी यही अपील है आपके चैनल के दोस्तों से कि उनकी मगफरत के दुआ करें, बस उनके लिए पढ़ते हैं। अच्छा जी, और भी हमारे पास एक दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका दोस्त जो बहुत ज़्यादा करीबी थे उसके बारे में चंद? बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही नफीस आदमी था, बड़ा ही अच्छा इंसान था, फनकार तो वो एक सुपरस्टार था, पूरी दुनिया में उसने नाम कमाया, पूरी दुनिया में तारक टैडी था, एक टाइम ऐसा था कि पूरी दुनिया में तारक टैडी ही हो रही थी, सुपरस्टार वो ऐसा था, ठीक है, एकदम से उभरे और एकदम से जो है ना नहीं नहीं 20 दिन के अंदर अंदर उनका वो तो अल्लाह बीमार हो चले गए, बाकी वो स्टार ही गया है, स्टार ही गया, वो सुपरस्टार ही वो यहाँ से गया है, वो कोई जवाल नहीं आया उस पर, किसी किस्म की कोई ऐसी टेंशन नहीं हुई, वो सुपरस्टार था, सुपरस्टार ही गया है वो। आज भी जब वो स्टेज पे आता था तो लोग
चीखें सीटियां क्लैप इतनी ज्यादा करते थे कि आप सोच नहीं सकते। तो वो गया तो सुपरस्टार ही है, लेकिन ये है कि चला गया, अब अल्लाह के काम है, अल्लाह का हुक्म है। बड़ा ही प्यारा आदमी था, बड़ा ही नफीस आदमी था। बस अच्छा, गवर्नमेंट के तरफ से कुछ यानी कि हेल्प? हाँ, नहीं गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया है, गवर्नमेंट ने इसको बड़े इसके उसके हॉस्पिटल में भी उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री था, PKLI में भी। उसके अलावा भी परवेज इलाही साहब ने पैसे अनाउंस किए हैं कि 30 लाख के करीब के उसके बच्चों के लिए। गवर्नमेंट से कोई टेंशन नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया। बस अब अल्लाह का हुक्म था, उसकी ज़िंदगी इतनी थी, चला गया। अब नाज़रीन देखा आपके सामने ये तमाम एक्टर्स लोग जो है ना वो खुद भी अफसरदा हैं और परेशान हैं कि उनके दोस्त जो हैं वो आज यहाँ से पूछ कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके दोस्त की यादें तो नहीं जाएंगी? पहले ड्रामे से लेके जी लास्ट ड्रामे तक हमारे साथ था, हमारी जान था, बड़ा अच्छा इंसान था, काम आने वाला था और छोटे कद में बहुत बड़ा फनकार था। उसने आके थिएटर को एक नई डगर पे चला दिया। उसने कहा कि ड्रामा भी T20 हो सकता है। वाह जी वाह। और बड़ा प्यारा और सबसे याद है वो एक शोएब अख्तर भी माने जाते हैं स्टेज के। तो ये है कि सबसे बड़ी बात उसके बारे में यही कहूँगा कि उसमें लेग बोलिंग नहीं थी, इस फील्ड में रह के भी वो नहीं थी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपके दोस्त चंद यादें जो तारिक साहब की आपके साथ जुड़ी? तारिक साहब और हम तकरीबन इकट्ठे ही फील्ड में आए हैं, हमारे कुलीग हैं। तो मेरा ख्याल है सके भाई भी इतना प्यार नहीं करते जितना वो फील्ड में सबसे प्यार करता था। और ये कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो दूसरों के लिए बनी होती हैं। तारिक टैडी ऐसा इंसान था तो जो आधी रात को भी किसी आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम किसी ने फ़ोन किया, उसको इतला मिल गई है, तो वो एक पाँव पे खड़ा हो जाता था अपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए, फील्ड के लिए, इंसानों के लिए। तो तारिक टैडी की कमी नहीं पूरी हो सकती। बेशक जी, कमी पूरी हो नहीं सकती। एक वो जल्दी आया, अपनी जल्दी जो है ना अपना एक नाम बनाया, मुकाम बनाया और आज दुनिया से रुखसत हो चुका। आपको नहीं लगता इतनी जल्दी? बहुत जल्दी चला गया। बहुत जल्दी चला गया। जो खूबसूरत इंसान होते हैं कहते हैं कि वो अल्लाह के पास जल्दी चले जाते हैं। नेक इंसान, बड़ा ही अच्छा इंसान, बहुत ही खूबसूरत इंसान था। फनकार बनना या दुनिया पे नाम बनाना, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, बड़ा बड़ा नाम बनाए हैं, वो यहीं पे बना, यहीं पे ख़त्म हो गया। असल चीज़ है जो आखिरत में साथ लेके जानी है। सबसे अफजल चीज़ है वो इंसानियत की खिदमत हमारे दीन। तो उसने बड़ी खिदमत की है, माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा खिदमत की है। वो दुनिया में इतना नहीं उसने कमाया जितना वो कमा के मेरे ख्याल में साथ ले गया। साथ ले गया, ठीक है जी। मेहरबानी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये काफ़ी जो एक्टर्स लोग जो है ना वो परेशान थे और जो है ना इन चीज़ों की वजह से जो है ना वो देख रहे थे कि यार ये क्यों और कैसे ये हादसा पेश आया उनके साथ। जी तो नाज़रीन, आज तारिक टैडी जो अपने लाखों दिलों की मदाहों में जिन्होंने अपनी जगह बनाई, आज वो अपनी खलके हकीकी से जा मिले और ये उनकी कब्र है और दो बच्चियां और एक बच्चा छोड़ के गए हैं। अब देखते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। तारिक साहब, आज आपके वो दोस्त जो आपके साथ असद रात से जो काम कर रहे थे, आज वो दुनिया से बिछड़ गए। आए बस, बड़ा दुख हुआ। गम भी है, ऐसे गम ही है जैसे भाई और यानी औलाद होती है ना, भाई होता है छोटा, वो ऐसे था। और अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, मेरी दुआ है सब लोगों से कि अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे और उसके लिए दुआ करें, उसकी आसानियाँ पैदा हो उसके लिए। और नेगेटिव खबरें नहीं चलनी चाहिए कि उन पे मुश्किल वक्त था, किसी ने साथ नहीं दिया। अच्छा, सब ने साथ चैनलों ने नेगेटिव खबरें पहले से दी। ये बकवास है, बकवास है, बकवास की है। यानी कि ये समझे कि शाही साहब जो उनके छोटे भाई हैं ताहिर भाई, उन्होंने भी सारी यानी कि ये बात की कि यार ऐसा ये नेगेटिव सोचना नहीं। हाँ, ये गलत करे उनके लिए। जाहिर है जो एक बंदा जो है ना उनके घर वाले जो बहुत परेशान थे खबरों को लेकर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमें बड़ी प्रॉब्लम, शर्म आती थी कि लोग ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे यूट्यूब पर हैं जो यानी कि सिर्फ अपने चैनल की खातर वो ऐसे बकवास कर देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए।
कुछ भी नहीं, सब ने साथ दिया, दोस्तों ने भी, फनकारों ने भी, गवर्नमेंट ने भी, हम शुक्रिया अदा करते हैं, सब ने साथ दिया और कोई उसने मिन्नतें तरले नहीं की किसी की, ऐसे बकवास कर रहे हैं ये। बेशक जी बेशक, उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा और आराम, बड़े प्यार से उन्होंने एक टाइम बनाया, टाइम बना के जो है ना वो अपना एक जिंदगी गुजार के गए। और आप देख रहे थे सोशल न्यूज 23। आज तारक साहब की डेथ हो चुकी है, अल्लाह निगहबान।